कोमल भाभी, कोमल भाभी, कोमल भाभी, कोमल भाभी आप? कोमल भाभी आप ठीक तो हो ना? हाँ, अरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, I'm fine. अरे तो आधी रात को तुम चल क्यों रही थी कोमल बेटा? वो नींद नहीं आ रही थी चाचा जी, तो मैंने सोचा ऐसे ही टहल लूं. अच्छा अच्छा, तो थोड़ी देर पहले अपने विंग में जो भारी भरकम सीढ़ियों से ऊपर नीचे आप आ जा रही थी? हाँ सॉरी माधवी. हाथी भाई नहीं तो आपको उनकी याद आ रही है ना? हाँ कोमल भाभी, आपका और हाथी भाई का प्यार तो हम सब लोग जानते हैं, तो मुझे लगता है विरह में आपको नींद नहीं आ रही है, जाग रही हैं आप. मेहता साहब, हाथी भाई भी उधर टहल रहे होंगे. तुझे कैसे पता? पोपट वाले काम करो, फोन करके देखो, पक्का जाग रहे होंगे. वही बोल रहा हूँ भाई, तुझे कैसे पता? मुझे पता है भाई, तुम फोन करके पूछो ना. सोए हुए आदमी को कभी नहीं जगाना चाहिए. नहीं नहीं, फोन तो लगा, तुम पता चल जाएगा ना. अरे भाई मैं फोन लगाऊंगा तो फोन की रिंग से वो सो रहे होंगे तो भी जाग जाएंगे, तो फिर बात करेंगे ही ना. फिर ऐसे नहीं करना चाहिए भाई. सीधे सीधे बोलो ना, पोपट लाल के फोन में बैलेंस नहीं है. भीड़े, अरे क्या भीड़े, क्या भीड़े, रात को 1 बजे भी शुरू हो गए. पर कोमल भाभी आप इसे जोर जोर से हंस क्यों रहे थे? वो मैं चलते चलते गाना सुन रही थी और मोबाइल में जोक्स पढ़ के हंस रही थी. इतनी जोर से? कोमल बेटा एक काम करो, तुम घर जाओ और आराम करो. जाके उनका चलना बाकी होगा ना, तो नहीं नहीं तुम जाके सो जा बेटा. हाँ कोमल भाभी, लेट नाइट में वॉक करने के बजाय अब मॉर्निंग में जल्दी उठकर वॉक करेंगे तो अच्छा रहेगा. हाँ यार भाई सॉरी, मेरी वजह से आप सबकी नींद खराब हो गई. नहीं नहीं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. कोई बात नहीं कोमल भाभी, क्या है वो इतनी रात गए ऐसे गार्डन में सफेद कपड़ों में, कोई ठीक से दिखा नहीं ना, इसलिए चिंता हो गई, और कुछ नहीं. वन सेकेंड सॉरी एंड गुड नाइट. गुड नाइट, गुड नाइट, बाय. गुड नाइट. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोमल भाभी को कुछ हो गया है. हाँ माधवी भाभी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, कुछ गड़बड़ है. देखो ना, ऐसे रात को चलते चलते हंस क्या रहे थे, और दिन में बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे, आज अचानक अजीब नहीं लग रहा है? माधवी भाभी आप ठीक कह रहे हैं, कुछ अजीब तो है. ये ऐसे फुटबॉल खेलना, आधी रात को घूमना, वेरी स्ट्रेंज. मुझे लगता है मैं जल्द से जल्द डॉक्टर हाथी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए. नहीं नहीं, कल सुबह होते मैं डॉक्टर हाथी को फोन करता हूँ. चलो अब चलते. चलो सोते. चलो गुड नाइट. गुड नाइट. पता नहीं क्या. गुड नाइट बबीता जी. वाह यार भाई, गुड नाइट. सोसाइटी में सबकी नींद खराब हो गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी को पता भी नहीं चला और मेरा एक्सरसाइज का कोटा भी पूरा हो गया. कल आखिरी दिन है, कल कैसे भी करके अपना डाइट फॉलो कर लूं और एक्सरसाइज का कोटा खत्म कर लूं तो वो ड्रेस मुझे परफेक्ट आ जाएगी. कौन? मिसेस कोमल हाथी, आप अभी तक सो रही हैं? चैन से सोना है तो जाग जाइए, और आगे से अलार्म बंद करने की गलती मत करना. आपको कैसे पता चला कि मैंने अलार्म बंद किया है? मुझे सब पता होता है. आज आखिरी दिन है कोमल जी, उस ड्रेस के बारे में सोचिए, अपने आप उठ के भागने का मन हो जाएगा. Now come on, start exercising. Move it, move it, go. Come on, Komal, come on. You can do it. Yes. Mm-hmm.
गया मैडम। कोमल बेटा, कोमल बेटा, लगता है ये तो बेहोश हो गए। फोन दे मुझे, फोन दे। हेलो, बापू जी क्या हुआ? अरे यहाँ गार्डन में कोमल बेटी बेहोश हो गई है। क्या? हाँ तू जल्दी से यहाँ आ जा, जल्दी आ जा। मैं आता हूँ बापू जी, अभी अभी आता हूँ। कोमल भाभी को क्या हो गया है? कल देर रात को चल रही थी, हंस रही थी और अभी गार्डन में बेहोश हो गई। हाथी भाई को बताना पड़ेगा। फोन अभी तक लगा नहीं और हाथी भाई की आवाज सुनाई दे रही। अरे यहाँ यहाँ हाथी भाई, अरे हाथी भाई, मैं अभी आपको ही फोन लगा रहा था। सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई? अरे अभी बापू जी का गार्डन से फोन आया था, कोमल भाभी गार्डन में बेहोश हो गई है। क्या? किसे? हाथी भाई चलिए, हमको जल्दी जाना होगा। मैं अपने बैग लेके आता हूँ। ऐसे कैसे बेहोश हो गए? पता नहीं, बापू जी ने इतना बोला, फोन आया था बापू जी का अभी कि कोमल बाबे गार्डन में बेहोश हो गए। छोटी अच्छा हुआ तो मिल गया, फटाफट जीप निकल, हमको गार्डन जाना है। क्यों, क्यों हो गया जेठा ब्रा? अरे वहाँ कोमल बाबी बेहोश हो गए। की गल कर रहे हो, कोमल बाबी हमें क्यों बेहोश हो गई? कोमल तुम टेंशन मत करो, कोमल ये खुल नहीं रहा है, उल्टा है, उल्टा है, सीधा। सॉरी सॉरी, खुल गया, खुल गया। ग्लूकोज निकाली है। नहीं, इसमें ग्लूकोज बिस्किट नहीं है। अरे बिस्किट नहीं, पीने वाला ग्लूकोज। सॉरी, अच्छा ये। कोमल, कोमल इसमें डालिए। कोमल बाबू जी ठीक हो ना? बस 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 बस, कोमल थोड़ा पियो इसको, एनर्जी मिलेगी। थोड़ा पी लो, थोड़ा पियो, जिद नहीं करते। पियो पियो पियो, थोड़ा और पियो, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा पी लीजिए, शक्ति आ जाएगी। थोड़ा सा बहुत जरूरी। वेरी गुड वेरी गुड, चिंता की कोई बात नहीं कोमल, कोई दिक्कत नहीं। कोमल तुम बिल्कुल ठीक हो, घर चले। हाथी भाई क्या हुआ है कोमल भाभी को? वीकनेस की वजह से। इंसान को जब ठीक से पोषण नहीं मिलता ना, यानी जब इंसान खाना नहीं खाता ना, तब ऐसा होता है। मतलब कोमल भाभी ने खाना नहीं खाया है? लग तो ऐसा ही रहा है। जी। लेकिन कोमल भाभी ने खाना क्यों नहीं खाया है? ये तो कोमल ही बताएगी। कोमल तुमने खाना नहीं खाया ना? हाँ कोमल भाभी। बोलो कोमल, तुमने खाना नहीं खाया ना? मम्मी बोल। कोमल बेटा बोल। मैं अभी आपके लिए सैलड और फ्रेश जूस लेके आती हूँ। हाँ मैं अभी आपके लिए एक सैंडविच बना के लेके आती हूँ। मैं मस्त में की गर्मा गर्म पोहे बनाकर लाती हूँ। कोमल भाभी को मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है, मैं अभी लेकर आती हूँ। कोमल भाभी आपके लिए मैं गर्मा गर्म ढोकला लेकर आती हूँ। हाँ तो चले हम लोग। हाँ, चलो। नहीं नहीं प्लीज, आप लोग कुछ मत लाइए, मैं ठीक हूँ। कोमल थोड़ा खाना खा लो, तुम्हें बहुत वीकनेस है और खाली पेट में तुम्हें दवाई भी नहीं दे सकता। हाँ। नहीं हंस, मैं खाना नहीं खा सकती। क्यों? अरे क्यों? खाना नहीं खा सकते? क्यों नहीं खा सकते? हाँ कोमल भाभी, आपने कोई व्रत रखा है? कोमल भाभी मेरी शादी हो जाएगी, आपने मेरे लिए क्यों व्रत रखा है? आप प्लीज खाना खा लीजिए। नहीं पोपटलाल भाई, मैंने किसी के लिए व्रत नहीं रखा है।
तो फिर आपने खाना क्यों नहीं खाया? एसिडिटी की वजह से? किसकी वजह से? एसिडिटी, पेट में जलन होती है ना, एसिडिटी। ओहो, एसिडिटी के खिलाफ। हाँ। कोमल, तुम्हें एसिडिटी हुई है? नो हंस। तो फिर खाना क्यों नहीं खा रही हो? अरे बोलो कोमल, तुम फिर खाना क्यों नहीं खा रही हो? अगर मैंने खाना खाया तो वो ड्रेस मुझे नहीं होगा। ड्रेस? 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 क्या ड्रेस? ड्रेस से खाने का क्या कनेक्शन है? वो मैं नहीं बता सकती। अरे अरे बताइए कोमल भाभी, सबको आपकी बहुत चिंता हो रही है। कल भी आप देर रात को चल रही थी, जोर जोर से हंस रही थी, आज गार्डन में बेहोश हो गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। साफ साफ बताओ बात क्या है और ये ड्रेस का क्या चक्कर है? बताइए ना कोमल भाभी, क्या बात है? मम्मी सच सच बताओ क्या चक्कर है, अब मुझे टेंशन हो रहा है। हाँ प्लीज कोमल बताओ बात क्या है। एक्चुअली उस दिन हम लोग मॉल में ड्रेस लेने गए थे, तब एक्चुअली मैडम ड्रेस टाइट नहीं, आप मोटी हो। कोमल भाभी आप थोड़ी सी पतली होती ना तो ये ड्रेस आपको नक्की हो जाती। आपकी कमर एक इंच कम होती ना तो ये ड्रेस आपको परफेक्ट आती और आप पे चार चांद लग जाते। उसके बाद मैंने तय किया कि मैं कैसे भी करके पतली होंगी और वही ड्रेस पहन के पार्टी में जाऊंगी। तय कर लिया था कि एक इंच साइज कम करने के लिए मैं अपना वजन कम करके ही रहूंगी। आज से आपका वेट लॉस प्रोग्राम शुरू होता है। ओह माय गॉड कोमल भाभी, इतनी सी बात के लिए आपने अपने आप को सजा देना शुरू कर दिया। रात को चलना, हाथ फैला के हंसना, ये सब वजन घटाने के लिए कर रही थी। अरे रे। ओह, एमे। बस कोमल भाभी कमाल है। खाना पीना बंद करके पतले होने की क्या जरूरत है आपको? अब ऐसे ही कितनी अच्छी दिखती है। सही बात है। हाँ और कोमल भाभी, मैं जब छोटा था ना तो मस्त गोल मटोल था, मतलब प्यारा सा गोल मटोल। तो सब लोग मुझे चिढ़ाते थे, कोई फुटबॉल बोलता था, कोई कलिंगर बोलता था, लेकिन मैं कभी कुछ मन पे लेता ही नहीं था। जिसको जो बोलना है बोले, मैं तो है ना मस्ती में रहता था, है ना बाबूजी? हाँ। जेठालाल अभी भी तो कलिंगर जैसे ही हो। ओ यार भाई, अरे अभी तो तुमने बोला मैं मन पे नहीं लेता हूँ। बबीता जी बात क्या चल रही है, क्या बोल रहे हैं यार भाई? सॉरी सॉरी जेठालाल, दूसरों की बात सुन के अपने आप पे जुल्म करने का क्या फायदा? सुंदरता शरीर की नहीं मन की होनी चाहिए। क्या मोटे लोग समाज में आगे नहीं होते? मैं मोटा हूँ फिर भी मैं डॉक्टर हूँ। जेठा व्यापारी है। हाँ हाँ बराबर। लोग मेरे पास इलाज कराने आते हैं। हम जैसे वैसे ही हमें अपने आप को फिट रखना है, खुश रहना है, मस्त रहना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंसान को मोटापा कम नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है। ऐसे खाना पीना बंद कर देने से शरीर को बहुत नुकसान होता है, शरीर बीमार हो जाता है। मोटापा कम करना हो तो डॉक्टर की सलाह से अपनी बॉडी को, उसकी प्रकृति को समझ के सही तरीके से खाने पीने में बदलाव करके ही वजन कम करना चाहिए। हाँ, और जरूरत हो तो ही पतला होना चाहिए, अगर जरूरत ना हो तो कोई जरूरत नहीं है पतला होने की, जो है ठीक है। और तुम्हें ड्रेस के लिए अपने आप को बदलने की, अपने शरीर को सजा देने की जरूरत नहीं है। कोमल तुम जैसी भी हो मुझे बहुत पसंद हो। कोमल भाभी को देखिए। अरे अपने
गणपति बाप्पा को ही देख लीजिए, हैं? वो जैसे है सबको कितना पसंद है, मस्त गोल मोटल बड़े पेट वाले है, कितने सब भक्त लोग उनके लिए लड्डू लेके आते हैं, कभी किसी को मना करते नहीं, आना तो मस्त सब आरोपते है ना लड्डू। कोमल वेस्टर्न नहीं मिले तो क्या हुआ, हम बेस्ट से बेस्ट कपड़े पहन के पार्टी में जाएंगे। अरे नहीं नहीं हादी अंकल, कोमल आंटी तो पार्टी में वेस्टर्न कपड़े ही पहन के जाएंगी। कोमल आंटी आपने मॉल में जो भी ड्रेस देखी थी ना उससे भी बेस्ट। कैसे? मैं आपके लिए ड्रेस डिजाइन करूंगी। क्या बात है सोनू बाड़ा, तुम करोगी डिजाइन? अरे आप लोग सब मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, ट्रस्ट मी मैं बच्ची नहीं हूँ, आई कैन डू इट। कॉलेज में मैं डिजाइनिंग के क्लास अटेंड करती हूँ तो मुझे ड्रेस डिजाइन करना आता है। कोमल आंटी मैं आपके लिए सबसे बेस्ट ड्रेस डिजाइन करके दूँ। वेरी गुड बेटा। क्या बात है सोनू, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। वैसे कोमल आंटी आप पहले कुछ खा लीजिए, फिर हम आपकी ड्रेस की डिजाइनिंग का काम शुरू करते हैं। So ladies and gentlemen, presenting to you the man of the evening, Hathi Uncle! Kya handsome lag rahe ho yaar. Wow, Hathi bhai. Nice, huh? And the lady of the evening, Komal Aunty! वाह मम्मी वाह, सुपर ड्रेस है। मिट्टी 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 लगी थी। गोकुलधाम सोसाइटी की पहली डिजाइनर सोनू आत्माराम भिड़े यांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। ग्रेट जॉब सोनू, हाथी भाई, कोमल भाभी, यू बोथ लुक अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर द एप्रिसिएशन। लेकिन इन तारीफों के असली हकदार आप सब हो। शुक्रिया करम मेहरबानी। किसु कोमल भाभी तमेपन, मेहरबानी की क्या बात है? वैसे भी हम लोग गोकुलधाम वाले हैं, एक दूसरे के काम आते हैं जब भी जरूरत पड़ती है ना? आप लोग पार्टी में भरपूर एंजॉय करना, ओके? And I'm sure बेस्ट कपल का अवार्ड ना आप दोनों को ही मिलेगा, देख लेना। थैंक यू सो मच। चलो चलो चलिए। तो मित्रों अंततः डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी फंक्शन में जा रहे हैं, और सबसे खास बात वो ड्रेस जिसके लिए कोमल भाभी ने इतना पागलपन दिखाया वो उन्हें याद ही नहीं। इससे जाहिर होता है कि हमारी खुशियां हमारे मोटे होने की, हमारे पतले होने की मोहताज नहीं होती। और एक चीज और सीखनी चाहिए, जो जल्दी जल्दी वजन कम करने की चाह में हम लोग जो अजीबोगरीब एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, ऊट पटांग डाइट प्लान फॉलो करते हैं, ये शरीर के लिए घातक हो सकते हैं। तो देखना यह है कि वो फंक्शन जिसके लिए जा रहे हैं डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी, और वो बेस्ट कपल अवार्ड जिसके लिए इतना परिश्रम किया गया है, वो उन्हें मिलता है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.